नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। एक दोहे के अनुसार बात कुछ यूं है कि कौआ हमसे कुछ लेता नहीं है और कोयल हमको कुछ देती नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि कानों में अगर किसी के मीठे वचन या मीठे बोल अगर पड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो कानों का हमारे विचार से, हमारे मस्तिष्क से, हमारे मन से क्या रिश्ता है, ये हम में से बहुत लोग जानते हैं। जो नहीं जानते उनको जिंदगी में कभी ना कभी ये समझ में आता है कि किसी की कही हुई कड़वी बात का हमारे ऊपर क्या असर होता है, और अगर प्रशंसा सुनने को मिल जाए तो क्या असर पड़ता है। कान, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर इनका ख्याल रखें तो बहुत सी बातों से, बहुत सी परेशानियों से हम बच सकते हैं। जिंदगी में बहुत सा ज्ञान हमें सिर्फ कान के माध्यम से यानी सुनकर मिलता है। भाषा का विकास भी इसी से होता है। एक बात, लोग ये कहते हैं कि दो कान इसलिए दिए गए हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, लेकिन आज बहुत विस्तार से हम ये समझेंगे कि कानों के बारे में महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं, इनका ध्यान कैसे रखा जाए। क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार कान की जो समस्याएं होती हैं, जब भी उनके इलाज की बात आती है तो व्यक्ति को ये लगता है कि डॉक्टर के पास जाने की शायद जरूरत नहीं है, अगर सेल्फ मेडिकेशन की जाए तो उसी से ठीक हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा किया जाए तो उससे बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। वो समस्याएं क्या है ये भी अपने विशेषज्ञों से जानेंगे। और जैसा कान के बारे में कहा जाता है कि भले ही सुनने की बात हमें बहुत ही आसान लगे और हमें इसका एहसास तक न हो, लेकिन कान एक मशीन की तरह कार्य करता है जिसमें छोटे छोटे पुर्जों की भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस तरह से होती है ये प्रक्रिया, आइए जानते हैं। कंसल्टेंट ई हॉस्पिटल से साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर अरुण अग्रवाल, आप डीन एंड डायरेक्टर प्रोफेसर ईएनटी मौलाना आजाद में बात करें। छोटी सी समस्या है लेकिन छोटी बात कब बड़ी हो जाए पता नहीं चलता, इसलिए बहुत जरूरत है जानकारी की। इस विषय से जुड़े अगर कोई भी आपके सवाल है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके लिए नोट कर सकते हैं हमारे नंबर्स। हमारा नंबर है 2338703123870031। साथ ही एक टोल फ्री लाइन भी आपके लिए मौजूद है, लेकिन अनुरोध ये है कि उस पर आप सिर्फ कार्यक्रम के दौरान ही फोन करें। वो नंबर है 1800111234। इन दोनों फोन लाइंस के अलावा आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है totalhealth@dv.nic.in। टोटल हेल्थ में क्या जी, मैं जानना चाह रहा था कि जो हमारी दादी जी, जी जी उनके कान में कुछ दिन पहले मच्छर गिर गया था, मतलब कम सुनाई देता है जी। डॉक्टर दीप्ति ये जानना चाह रहे हैं, मच्छर गिर गया था कान में कह रहे हैं और उसके बाद से कम सुनाई देने लगा, क्या इन दो चीजों को कोरिलेट किया जा सकता है? अगर मच्छर कान में अंदर चला जाता है तो उसकी वजह से, मच्छर कान में जब अंदर जाता है सुनीली, तो उसकी वजह से आपको कान में दर्द हो सकता है, कान में मच्छर के फड़फड़ाने की आवाज हो सकती, लेकिन सुनाई उससे बंद नहीं होती। पेशेंट को एग्जैक्टली क्या कंप्लेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको कान में आवाजें सुनाई दे रही हैं? जी, शायद उनसे संपर्क टूट गया है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर अग्रवाल आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि जैसे डॉक्टर दीप्ति कह रही है कि दोनों चीजों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन इन्हें लग रहा है कि सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ा सा इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जी, कि कान के अंदर मच्छर का जाना कभी भी किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि मच्छर तो हर जगह है जी। और ऐसा होता है कि मच्छर कभी भी कान में चला जाता है, और जब जाता है तो फटफटाता है, तो बड़ी उसके अंदर ऑड फीलिंग होती है, दर्द भी होता है, जैसे डॉक्टर दीप्ते ने कहा मच्छर फड़फड़ाता है, तो अंदर फड़फड़ाने में जो एक सिम्टम आता है वो बड़ा टॉलरेट नहीं किया जाता, तो उसका हमें क्या करना चाहिए? एक तो मैं पब्लिक को बताना चाहूंगा, तो उस समय हमको यदि कान फड़फड़ा रहा है तो कोई मच्छर ने कितनी देर वो रहा, उसने क्या कोई चीज डैमेज की, पर्दे को भी डैमेज कर सकता है वो करे जी। बातों का जानेंगे अपने विशेषज्ञों से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर हैं कुलदीप जी हरियाणा से। कुलदीप जी आपका स्वागत, पूछिए सवाल। कानों पर सूजन है, कानों पर सूजन है आपके, और कानों के अंदर खारिश होती रहती है और कानों के ऊपर सूजन है। कितने समय से है आपको सूजन? सूजन यही एक महीने से, और साथ में कान दर्द भी करते हैं जी। तो इसके लिए आपने कुछ उपाय, कुछ इलाज किया है कुलदीप जी? हाँ जी, वो डॉक्टर को वैसे तो दिखाया था उन्होंने, जो टिन जैपिक लिया था ये, वो कानों में डालने वाला ये ड्रॉप्स वो दिया था जी।
डॉक्टर अग्रवाल आप कुछ और पूछना चाहेंगे इनसे? ये आपको कब से है कान में सूजन कुलदीप जी? हाँ ये एक महीना हो गई जी। बिल्कुल ठीक है, जैसा अभी डॉक्टर दीप्ति भी बता रही थी कि ये हमारा बरसात का महीना चल रहा है और बरसात के महीने में करेगा। दवा से ज्यादा जरूरी है कान की सफाई जी, क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग। कान की सफाई की डॉक्टर अग्रवाल बात कर रहे हैं, अक्सर लोगों को लगता है कि वैक्स आ गया तो उठाइए हेयरपिन, उठाइए ईयरबड, नहीं नहीं वो बड़ा डेंजरस बात है। डॉक्टर विजय बात बताते हैं, कहते हैं लोग कान से। अशोक जी जी आपका स्वागत, सवाल पूछे। मेरे कान में थोड़ा पल्स ज्यादा आती है जी, और मैं कभी कभी कॉटन रहकर सफा करने की कोशिश करता हूँ या कभी कभी दवाई डालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये 8-10 साल से आराम नहीं हो रहा मेरे को, लेकिन सुनाया मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। क्या आपने किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया था? हाँ मैंने पहले इलाज करवाया था, मेरा इलाज हुआ था, लेकिन दोबारा हर 2 महीने या 3 महीने के बाद फिर दोबारा हो जाता है मैडम जी। डॉक्टर अग्रवाल रिपीटेड यही एपिसोड्स हो रहे हैं, बार बार पस आ जाता है कान में, इलाज मैंने कहा ना कि देखिए बिल्कुल ठीक है कि कान में इनके 8 साल से पस आ रहा है जी। यदि 8 साल से पस आ रहा है तो पस 2 वजह से आता है, या तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो हमारी बाहर की कैनाल है उसमें कोई इन्फेक्शन है, या पर्दे में छेद और मिडिल ईयर में इन्फेक्शन है।